नमस्कार, आप देख रहे हैं मी ऑनलाइन बिहार न्यूज़। मैं अनिश उपन। आज हमारी मौजूदगी जो है वो कुरान सराय थाना में है और थाना परिसर में हम मौजूद हैं। ये पीछे देख रहे हैं कि ये शराब है श्रीमान, शराब बिहार में बंद है। और नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जो शराब बंदी कानून को उनके द्वारा लागू किया गया था, लेकिन शराब जो तस्कर है वो किस तरीके से नए नए तरकीब अपना करके शराब लेकर के आते हैं और पुलिस जो है अपनी दिमाग लगाते हुए उन पर अपना शिकंजा चलाते हुए पकड़ लेती है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले आपने देखा बक्सर में 2.5 करोड़ की तकरीबन शराब की विनष्टीकरण की गई थी, वो भी वीर कुंवर सिंह सेतु पुल पर। वह शराब 2 कंटेनर में पकड़ी गई थी, लेकिन आज जो है ये शराब कंटेनर में नहीं श्रीमान बल्कि लग्जरी गाड़ी में पकड़ी गई। उस गाड़ी का हुलिया देखिएगा ना आप, तो आप चौंक जाइएगा। चलिए सबसे पहले उस गाड़ी का हुलिया दिखाते हैं और गाड़ी के बारे में बताते हैं कि आखिर वह गाड़ी कौन सी है। तो श्रीमान ये जो तस्वीर में गाड़ी दिख रही है यही गाड़ी है, ये गाड़ी देख रहे हैं ना। ये गाड़ी का नंबर की अगर बात करें तो UP 61AA00 है। और इस गाड़ी की अगर बात करें तो भाई ये गाड़ी में क्या क्या फैसिलिटी है उसके भी बारे में बताएंगे और दिखाएंगे। तो सर खोला जाए इसको, तो देखिए गाड़ी खुलवाएंगे हम, ज़रा सर इसको खोला जाए ताकि गाड़ी में क्या क्या फैसिलिटी है वो भी हम दिखाएं, किस तरीके से तरकीब अपना करके और लग्जरी वाहन से ये लोग शराब का धंधा करता है ना सर। कहाँ से पकड़े थे? यही मेन रोड से कुरान सराय बाजार के आसपास से। अच्छा, तो चाबी मंगवा रहे, खोलवाइए जरा हम देखें इस गाड़ी में क्या क्या सिस्टम है और किस सिस्टम के तहत ये लोग ले करके शराब जो है वो आ रहे हैं। एक और भी वाहन है उसको भी हम दिखाते हैं, वो JS नंबर की है गाड़ी, उस गाड़ी के बारे में बताते हैं, उस गाड़ी को भी दिखाते हैं आपको हम। यही वो वाहन है, एक तो उधर आपने वाहन देख लिया, दूसरी वाहन ये है, ये भी जो है JH नंबर की है, इसको भी देख लीजिए। पकड़ने वाले हमारे साथी है, वो भी जरा बताएंगे, उनसे भी हम पूछेंगे। सर कहाँ से उपलब्धि मिली थी इसके बारे में हमारे वरीय पदाधिकारी से बयान ले लीजिए, हम लोग इसके लिए उतना। कहाँ से पकड़े, कहाँ थे सर? पकड़ी थाने गेट पर ही पकड़ी, थाना गेट पर से ही पकड़े थे। तो चलिए बताने के लिए धन्यवाद। सर ने बताया कि थाना के गेट से जो है वो गाड़ी जो है वो पकड़ी गई थी। ये तस्वीर देखिए, यही गाड़ी है और इस गाड़ी पर भी स्टिकर लगा हुआ है पुलिस का, वो भी देख रहे हैं। और गाड़ी के अंदर की बात हम करें तो अंदर की दिखा रहे, देखिए बाहर से तो टकाटक और चकाचक लग रही है, लेकिन अंदर देखिएगा तो थोड़ा सा टूटा फूटा आपको नज़र आ जाएगा गाड़ी में। और इसी गाड़ी में जो है वो शराब लेकर के आया जा रहा था और पुलिस सूचना मिली, गुप्त सूचना, उसके बाद इसको पकड़ लिया गया। चलिए वो गाड़ी को अब दिखाते हैं, शायद चाबी आ गया होगा तो हम दिखाते हैं उस गाड़ी में कि क्या कुछ उस गाड़ी में है। उस गाड़ी के पूरी विस्तृत से आपको हम जानकारी देंगे। ये गाड़ी अभी खुल रही है, देखिए गेट बंद है, बाकी खुल जा रही है, तो पूरी इसका डिटेल हम दिखाएंगे कि गाड़ी अंदर इतनी लग्जरी गाड़ी है, इतनी लग्जरी गाड़ी है कि अब इसके बारे में क्या बताएगा। ये देखिए, ये लग्जरी वाहन है। अगर बात करें तो हूटर भी अभी बज रहा था, अभी आपने हूटर भी देखा। देखिए गाड़ी की तस्वीर जरा दिखाइए, अंदर से गाड़ी की तस्वीर दिखाइए, लग्जरी गाड़ी है। देखे पर्दा वर्दा सब लगा हुआ है इस गाड़ी में, कितना अच्छा सा पर्दा लगा, लगेगा कि कोई अधिकारी इसमें बैठे हुए हैं। और ये गाड़ी देख सकते हैं कितनी लग्जरी है और इसमें शायद हूटर भी बज रहा था। देखिए ये, देखिए ये आपको हूटर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, यह गाड़ी में हूटर जो है वो बज रहा है। और यह तस्वीर जो है उसी गाड़ी की है जिसमें शराब जो है वो रख करके ले जा रहा था। शराब की अगर बात करें तो शराब भी दिखा देते हैं हम आपको कि देखिए वो कौन सी शराब है। हालांकि मैं किसी कंपनी का किसी का प्रचार नहीं करूंगा, ब्रांड नहीं बताऊंगा, लेकिन श्रीमान इसको देख करके आप समझ गए होंगे कि यह शराब कौन सी है। और इस शराब को तो आप जानते ही हो भली भांति, ये दिखता नहीं है पर मिल जाता है, जहाँ ढूंढिएगा ना वहाँ आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन पुलिस के द्वारा इस पर शिकंजा कसते हुए, शराब माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करते हुए और शराब किस तरीके से पकड़ी गई है, हम SDPO साहब से बात करते और जानते हैं कि कितनी जो है शराब पकड़ी गई, क्या मामला पकड़ी गया है। उसी मामले पे हम SDPO डुमराव जो आफाक अख्तर अंसारी है, इनसे हम बात करते हैं। सर ये जो शराब पकड़ी गई है कहाँ से पकड़ी गई? कुरान सराय थाना से पकड़ी गई है, यहाँ पे वाहन चेकिंग लगाई गई थी, वहीं पकड़ी गई है। कितनी है शराब सर? 685.2 लीटर विदेशी शराब है। सर इसको क्या मानते हैं कि पुलिस की गाड़ी लिखी हुई और स्टिकर सटा हुआ, हूटर भी है गाड़ी में, और उस तरीके से शराब माफिया जो है शराब की तस्करी करते हैं? शराब माफिया कोई भी तरीका अपनाए पुलिस से बच नहीं सकते, जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी।
तो जो जिन व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई सर, कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए? तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए सर, इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? कुरानसराय थाना के नजदीक से की गई है। इनकी कुछ ऐतिहासिक अपराध, ऐतिहासिक अनुसंधान अंतर्गत आएगा बात खोल के, इनका कुछ पूर्व कांड होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो ये थे हमारे साथ अफाक अख्तर अंसारी जी, जो डुमराव के SDPO है, इनसे हमने वार्तालाप किया और जाना, इन्होंने बताया कि किस तरीके से शराब जो है वो पकड़ी गई है और इस शराब माफिया जो है वो कौन कौन से नए नए धंधे अपनाते हैं, तरकीब अपनाते हैं, उस तरकीब से जो है वो शराब की डिलीवरी करते हैं। मामला था। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहे MB बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर सनीश उपमानु की रिपोर्ट।